गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं फार्मानोट्स यूट्यूब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो, आज का विषय जो है, हमें जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को समझना होता है ना, उसको चिंता के साथ नहीं बल्कि चिंतन के साथ समझना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, एक बार उसे पढ़ लिया उस कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को, तो हमने उसको बार बार हमारे चिंतन में सोचते हैं तो वो कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है और उसकी पिक्चर जो है वो हमारे माइंड में बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से खुल जाती है कि हम उसके साथ में फैमिलियर हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। और एक बार वो कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आ गई तो हमें खुशी भी बहुत होती है और उसके समझने के बुनियाद पर हम दूसरी कंसेप्ट को भी और अच्छे से समझ सकते हैं और धीरे धीरे ये पढ़ाई का जो कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे से सुलझने लगता है और हम हमारे ज्ञान को प्राप्त करने की मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम सर्कुलेशन को समझते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी को, उसे समझते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम आंख बंद करके इसी कंसेप्ट पर चिंतन करेंगे। तो देखो, जो हमारा हार्ट होता है, यहाँ हमारे बाएं तरफ थोड़ा सा इतना मुट्ठी इतना होता है, उसके चार कंपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। चार कंपार्टमेंट, दो होंगे ऑरिकल, दो ऑरिकल और निचले वाले दो कंपार्टमेंट होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखो मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर गौर करिएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन के साथ में है, वो प्योर ब्लड हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई होता है दोस्तों। और ये अलग अलग ऑर्गन को ये सप्लाई करता है, अलग अलग टिश्यू को सप्लाई होता है ये अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको कलेक्ट करके वो ब्लड जाता है हमारे राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में जाने के बाद में वो ब्लड वहां से निचले हिस्से में, यानी राइट वेंट्रिकल में गिर जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो वहां से पंप होकर के ये हमारे लंग्स की तरफ जाता है, जो हार्ट के दोनों तरफ होता है लंग्स का पार्ट, तो ये लंग की तरफ जाता है जहां पे ये इम्प्योर ब्लड प्योर हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। और जब ये प्योर हो जाता है तो लंग्स की तरफ से इसका सप्लाई होता है लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में जब आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से गिर कर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। फिर से ये चक्कर चला रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी से फिर से इम्प्योर ब्लड आएगा हमारे राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल, वहां से सप्लाई होगा दोनों तरफ की लंग्स को, वहां पे इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाकर के प्योर ब्लड जब बनता है तो वो आएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में, वहां से फिर से गिर करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। यही कंसेप्ट समझना जितना मुश्किल हो गया है, अब आंख बंद करके इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे, पूरा फोकस करेंगे, तो ये कितने आसानी से हमारे समझ में आता है, कितने आसानी से ये कॉम्प्लेक्स खुल जाता है उसको भी देखिएगा। अब सभी लोग हमारे साथ में आंख बंद करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सोचिएगा, हमारे लेफ्ट साइड में जहाँ पे दिल की धड़कन आपको सुनाई दे रही है, दिल की धड़कन महसूस हो रही है, सोचिए कि उसके चार कंपार्टमेंट हैं, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो आपका राइट हैंड है उसकी तरफ होगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल नीचे है दोनों, ऑरिकल ऊपर है दोनों। ठीक है, तो अब सोचिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, लेफ्ट वेंट्रिकल निचले वाला हिस्सा, तो वहां पे प्योर ब्लड है ऑक्सीजन के साथ में, जो है वो प्योर ब्लड है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा अभी ये ब्लड। अब ये ब्लड पूरे बॉडी में फैल रहा है, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में फैल रहा है, पूरे बॉडी को प्योर ब्लड पहुंचा रहा है ये। अब ये पूरे बॉडी को प्योर ब्लड पहुंचाने के बाद में उसी ऑर्गन उसी टिश्यू के पास से ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके ये कहाँ आएगा, अब ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है और ये आएगा आपके राइट ऑरिकल में, राइट हैंड साइड के ऊपर वाला जो हिस्सा है ऑरिकल, राइट ऑरिकल में ये पूरा इम्प्योर ब्लड आ चुका है। अब राइट ऑरिकल से ये नीचे गिरेगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रिकल राइट हैंड की साइड में, तो राइट वेंट्रिकल में ये पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड बॉडी से सप्लाई होकर के आ चुका है। अब ये जो है
राइट वेंट्रिकल से ये पंप हो जाएगा और पहुंच जाएगा लंग्स की तरफ, क्योंकि ये इम्प्योर है। अब लंग्स की तरफ जाएगा तो वहां से ये ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से ये सप्लाई हो रहा है हमारे लंग्स की तरफ, वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये पूरा सप्लाई अब अच्छे वाला ब्लड जो है, प्योर वाला ब्लड है, वो आएगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, ऊपर वाला है ना कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट ऑरिकल में ये आएगा, वहां से गिर करके फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में अच्छा वाला ब्लड आ चुका है, फिर ये अच्छा वाला ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, पूरे ऑर्गन को सप्लाई होगा अच्छा वाला ब्लड, और उन्हीं ऑर्गन उन्हीं टिश्यू के पास से फिर से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, और वो इम्प्योर ब्लड हमारे फिर से राइट ऑरिकल में आएगा, राइट ऑरिकल से फिर से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से बम्प होकर के ये पूरे लंग्स की तरफ फैल जाएगा, लंग्स में जाकर के ये प्योर होकर हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से गिर करके ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से पूरे बॉडी को सप्लाई होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। तो अभी आप खोलिएगा, अब आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। तो अगर आप इसे बार बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दिन भर में हम हर जगह व्यस्त होते हैं, है ना, जैसे व्हाट्सएप पे व्यस्त होते हैं, किसी के मैसेज को आंसर करना होता है, क्या क्या मैसेज आया है ये देखना होता है, हमारे फेसबुक पर हमें अपडेट देना होता है, हमारे इंस्टा पे हमें अपडेट देना होता है, हमारे जीमेल मेल्स अकाउंट को खोलना होता है, घर के कामकाज होते हैं, कॉलेज होते हैं, दोस्तों से मिलना होता है, कैंटीन में जाना होता है, खरीदारी का काम होता है, और भी बहुत कुछ काम करते हैं दोस्तों। तो इसमें फोकस कहाँ है? फोकस ही नहीं है। हम विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, हमारा जो काम है, मेन काम, कोर वर्क ऑफ आवर लाइफ इज टू गेन द स्टडी। हमारा जो कोर है वो है ज्ञान को प्राप्त करना, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहिएगा, ठीक है। आपने मान लो आधा एक घंटा पढ़ लिया, तो उसके बाद में आप आंख बंद करके उस कंसेप्ट के बारे में सोचिए, उस कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचिए, उसको सुलझाने की कोशिश करिए, उसको बार बार सोचिएगा, तब जाकर के वो एकदम से खुल करके आसान तरीके से आपके समझ में आएगा, और उसकी बुनियाद पर आप आगे का चैप्टर, आगे का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाते हो दोस्तों, और प्रगति कर सकते हो पढ़ाई में, ठीक है। तो चिंता के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चिंता खाई जाती है हमें, और चिंतन से हम आगे प्रगति करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम का टेंशन लेकर के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ज्ञान को अर्जन करने के हिसाब से, है ना, स्टडी को गेन करने के हिसाब से पढ़ना है, तभी जा करके आप इस ज्ञान को सही तरीके से प्राप्त कर सकते हो और आपके जिंदगी में सफल हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो हम अगर आपको ये जो कंसेप्ट है चिंतन के साथ में सोच करके पढ़ने वाला ये अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जिनको हम चिंतन के साथ में पढ़ने वाले हैं आगे के ये कुछ वीडियोस में। तो आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है और ये सही टेक्निक लग रही है, तो हमें कमेंट करिएगा, हम जरूर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप इसे पहले तो समझेंगे और फिर हम उस पर चिंता चिंतन करके उसको और अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों, ताकि हम इसे भूलेंगे नहीं और हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।